दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की पहली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी को लेकर के। ठीक है, हम देखते हैं हमारे देश में कितनी सारी आत्महत्याएं होती हैं, कई सारे उसके रीजन हैं। तो गवर्नमेंट कैसे करके इस सुसाइड को रोक सकती है, इसके लिए सरकार की तरफ से इंडिया की पहली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लेकर के आई है। यदि हम बात करें इंडिया के पहले सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी के रोल आउट को लेकर के, तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। एज इट रिपोर्ट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड डेथ्स इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा डेथ हैं सुसाइड के चलते चलते भारत में होती है। सुसाइड करते हैं यंगस्टर लोग, फार्मर लोग, वुमेन, चिल्ड्रन। इज ऑलवेज ए वेरी डिस्ट्रेसिंग ट्रेंड, और आज के टाइम में ये एकदम तनावपूर्ण वाला ट्रेंड भी बन गया है। ठीक है, तो फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्रीज के लिए ये बहुत बड़ा रिपरकसन है, बहुत बड़ा नुकसान है। यदि हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सरकारी आंकड़े की बात करें, NCRB की बात करें, तो 164,033 लोगों की डेथ हुई है 2021 में। 2021 में कितने लोगों की जाने गई हैं, 164,033 लोगों की। इसका मतलब ये हो गया कि 450 लोग हर दिन, एवरी सिंगल डे प्लानिंग करते हैं सुसाइड के लिए। ठीक है, यदि पुराना रिकॉर्ड आप उठा करके देखोगे तो ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। टोटल 153,052 सुसाइड वर रिपोर्टेड इन द कंट्री ड्यूरिंग 2020। इसका मतलब ये है 2020 और 21 से आप तुलना करोगे तो 10% का इंक्रीज देखने को मिला है। कंपैरिजन यदि हम करें 2019 से, द रेट ऑफ सुसाइड्स इंक्रीज हुआ था 8.7% 19 और 20 के बीच में, फिर 20 और 21 के बीच में वो 10% हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा यदि आप उठा करके डाटा देखोगे तो गर्ल्स एंड वुमेन ग्लोबल का जितना भी रेट रहा है उसका दुगना चल रहा है हमारे देश में। द सुसाइड रेट अमंग इंडियंस गर्ल्स एंड वुमेन, भारतीय जो लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं उनमें सुसाइड का जो रेट है पूरे विश्व लेवल में जो रेट चल रहा है उसका डबल है। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग डेवलपमेंट है वो क्या है, सुसाइड अकाउंट्स फॉर मोस्ट डेथ इन 15 से लेकर के 39 ईयर्स एज ग्रुप। ज़्यादातर जो यंग लोग हैं वो ही सुसाइड कर रहे हैं, जो किसी के भी जीवन की एक काफ़ी प्रोडक्टिव फेस माना जाता है। उस टाइम में आप अपने सपने हासिल करते हैं, वो काफ़ी कामकाजी उम्र मानी जाती है। तो इंडिया ने क्या काम किया है अब सुसाइड को रोकने के लिए, टाइम बाउंड प्लान लेकर के आया है कि देखो हम इसके लिए टाइम पीरियड निर्धारित करेंगे और सुसाइड को रोकेंगे। मल्टी सेक्टोरल कोलेब्रेशन लेकर के आया है, अलग अलग सेक्टर आपस में मिलकर के काम करेंगे ताकि हम अचीव कर सकें रिडक्शन इन सुसाइड रेट बाई 10% बाई 2030। 2030 तक हम नया इनिशिएटिव लेकर के आए हैं कि हमें 10% की क्या करना है, रिडक्शन करना है, उसमें कटौती करना है। यदि हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, नाम क्या रखा गया है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी इसका नाम रखा गया है, जिसके अंतर्गत क्या काम किया जाएगा, इफेक्टिव सर्विलांस मैकेनिज्म को स्थापित किया जाएगा। हमें सबसे पहले तो सर्विलांस करना है, जांच पड़ताल करना है ताकि हम सुसाइड प्रिवेंशन कर सकें। इसमें सजेशन दिया जाता है कि हम इस्टेब्लिश करेंगे साइट्रैक्टिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने की बात करी जा रही है। प्रोवाइडिंग सुसाइड प्रिवेंशन सर्विस थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन नेक्स्ट 5 ईयर, आने वाले 5 साल में हमें क्या क्या चीज़ बनाना है, साइट्रियाट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बनाएंगे, सुसाइड प्रिवेंशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, किसके माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से आने वाले 5 साल में। इसके अलावा नई जो प्लानिंग है उसके अंतर्गत क्या काम किया जाएगा, मेंटल वेलबींग करिकुलम, मतलब आप जो पढ़ाई करेंगे, आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आने वाले नेक्स्ट 8 साल में आपके पाठ्यक्रम में भी इस चीज़ को शामिल किया जाएगा।
बिसाइड चार्टिंग आउट सर्टेन गाइडलाइन फॉर रिस्पॉन्सिबल मीडिया कवरेज ऑफ सुसाइड केस एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू मीन्स ऑफ सुसाइड। सुसाइड के जो साधन हैं वो आसानी से मिलना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है, जो मीडिया कवरेज करता है उस मीडिया कवरेज का गलत असर नहीं होना चाहिए कि लोग आत्महत्या पर उतारू हो जाएं। फैक्ट वाली बात यह है कि जो प्रत्येक सुसाइड होता है ना, वो पर्सनल ट्रेजेडी के चलते चलते होता है। दैट प्रीमैच्योरली टेक्स द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स, जो किसी इंडिविजुअल की जान ले लेता है, एंड हैज़ कंटिन्यूइंग रिपल्स इफेक्ट निगेटिवली इम्पैक्टिंग द लाइव्स ऑफ फैमिली फ्रेंड कम्युनिटी। इसका असर किस पर पड़ेगा? आपके परिवार पर, आपके दोस्तों पर और आपकी कम्युनिटी पर। तो जैसे कि प्रोफेशनल करियर प्रॉब्लम्स, सेंस ऑफ आइसोलेशन, एब्यूज, वायलेंस, फैमिली प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर, एडिक्शन ऑफ एल्कोहल, फाइनेंशियल लॉस है, क्रॉनिक इलनेस है, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके चलते चलते लोग सुसाइड करते हैं। तो इसमें ये बात भी नोट किया गया है कि देयर वॉज नो पॉलिसी और प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस मीनास। अभी तक ये देखा गया है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम सरकार के द्वारा नहीं चलाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हेल्थफेयर क्या काम कर रहा है, इम्प्लीमेंटिंग कर रहा है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ताकि कुछ कुछ हम अचीवमेंट प्राप्त कर सकें नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, वेयर इन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर प्रपोजल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसका क्या उद्देश्य है? हमें प्रोवाइड करना है सुसाइड प्रिवेंशन सर्विस, वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, काउंसलिंग करना है कहाँ पर, स्कूल एंड कॉलेजेस में, इसके अमंग अदर्स। इसके अलावा कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइन किसके ऊपर, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, कहाँ पर मिलेगा हमको ये सब जानकारी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, आर आल्सो रिलीज्ड अंडर आयुष्मान भारत। ठीक है, इनको रिलीज किया जाएगा किसके अंतर्गत, आयुष्मान भारत के अंतर्गत। इसके अलावा महिलाओं को खास करके और बच्चों को ध्यान में रखते हुए कंसर्न मिनिस्ट्री ने साइन किया है एक MOU किसके साथ में, NIMHANS, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके एक नेशनल रिसोर्स सेंटर किसके लिए, फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। इसके अलावा मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल केयर, जिसका नाम रखा गया है संवाद, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इज आल्सो इम्प्लीमेंटिंग फैमिली काउंसलिंग सेंटर। इसके अलावा जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फैमिली काउंसलिंग सेंटर की, ताकि सुसाइड रेट को कम किया जा सके, सुसाइड को रोका जा सके।